उर्दू ग्लोब की एक और वीडियो में आप सबको खुशामदीद। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं पाकिस्तान के मुकाम के बारे में। जैसा कि आपको मालूम है कि हर हफ्ते के आगाज पर हम बात करते हैं पाकिस्तान के मुकाम की, तो इसी तरह से आज भी हम पाकिस्तान के खास मुकाम की बात करने वाले हैं। तो आज की वीडियो में किस मुकाम की बात करेंगे? आज की वीडियो में हम बात करने वाले मीनार पाकिस्तान की, और हम जानेंगे मीनार पाकिस्तान के बारे में 10 ऐसी बातें जो शायद आपको मालूम हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं मीनार पाकिस्तान के बारे में 10 सरानगुन बातें कौन सी हैं जो कि आज की उर्दू ग्लोब की वीडियो में शामिल होंगी। तो मीनार पाकिस्तान के बारे में पहली हैरानगुन बात यह है कि आप जानते हैं कि मीनार पाकिस्तान को कितने अरसे में तामीर किया गया था। मीनार पाकिस्तान को 8 साल के अरसे में तामीर किया गया था। मीनार पाकिस्तान की तामीर का आगाज 1960 में शुरू हुआ था, जबकि मीनार पाकिस्तान को 1968 में मुकम्मल किया गया था। तो इसी तरह से मीनार पाकिस्तान के बारे में दूसरा फैक्ट जानते हैं कि आप जानते हैं कि मीनार पाकिस्तान ही वो पहला मुकाम है जहां से पाकिस्तान की आजादी के लिए पहली बार पुकारा गया था, यानी कि पहली बार पाकिस्तान के लिए करारदाद मीनार पाकिस्तान पे मंजूर हुई थी। चलिए मीनार पाकिस्तान के बारे में तीसरी बात करते हैं कि आप जानते हैं मीनार पाकिस्तान का पुराना नाम क्या है। मीनार पाकिस्तान का पुराना नाम मंटो पार्क है और इससे काफी अर्स तक इसी नाम से बुलाया जाता रहा है। चलिए मीनार पाकिस्तान के बारे में चौथी बात करते हैं कि आप जानते हैं कि मीनार पाकिस्तान का डिजाइन किसने मुरतब किया था। मीनार पाकिस्तान का डिजाइन नसीब मुराद खान ने मुरतब किया था, जबकि नसीम मुराद खान 1950 में पाकिस्तान में आए थे और ये पाकिस्तान से पहले वेस्ट जर्मनी में रहते थे। चलिए मीनार पाकिस्तान के बारे में पांचवी बात कहते हैं और ये बात नसीम मुराद खान के बारे में। क्या आप जानते हैं कि मुराद नसीर खान की तनख्वाह कितनी थी जब मीनार पाकिस्तान के लिए काम कर रहे थे? मुराद नसीर खान की तनख्वाह 2.5 लाख रुपए थी और उन्होंने वो रकम नहीं ली थी और उन्होंने वो रकम मीनार पाकिस्तान की डोनेशन में ही अच्छा कर दी थी। चलिए मीनार पाकिस्तान के बारे में छठी बात करते हैं। क्या आप जानते हैं मीनार पाकिस्तान की तामीर में कितना खर्च आया था? मीनार पाकिस्तान की तामीर में एक अंदाजे के मुताबिक उस वक्त के 7.5 मिलियन रुपए खर्च हुए थे और ये एक बहुत बड़ी रकम जो कि 1 करोड़ पाकिस्तानी रुपए से भी ज्यादा बनती है। चलिए मीनार पाकिस्तान के बारे में सातवीं बात जानते हैं कि आप जानते हैं मीनार पाकिस्तान की लंबाई कितनी है? मीनार पाकिस्तान की लंबाई 70 मीटर है और ये पाकिस्तान की यादगार के तौर पर एक बहुत ऊंची इमारत है। चलिए मीनार पाकिस्तान के बारे में आठवीं बात जानते हैं। हमने छठे फैक्ट में ये बात तो जान ली कि मीनार पाकिस्तान की तामीर में कितना खर्च आया था, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मीनार पाकिस्तान की तामीर में आने वाले खर्चे को कहां से हासिल किया गया था? मीनार पाकिस्तान की तामीर में खर्चे के लिए टैक्स सिनेमा पे लगाया गया था, जबकि इसके अलावा घोड़ों की रेस के ऊपर भी टैक्स आयद किया गया था, जिससे हासिल होने वाली रकम से मीनार पाकिस्तान की तामीर में काफी मदद मिली थी। चलिए मीनार पाकिस्तान के बारे में नौवीं बात करते हैं। क्या आप जानते हैं कि भारत के कौन से ऐसे वजीर आजम थे जिन्होंने मीनार पाकिस्तान का विजिट किया था? भारत के सबसे पहले ऐसे वजीर आजम जिन्होंने मीनार पाकिस्तान का विजिट किया था वो अटल बिहारी वाजपेयी थे, जिन्होंने 1999 पाकिस्तान के दौरे पर मीनार पाकिस्तान का विजिट किया था। चलिए मीनार पाकिस्तान के बारे में दसवीं बात जानते हैं कि आप जानते हैं कि इसी हफ्ते आज़रबाईजान की सेकंड एनिवर्सरी पर मीनार पाकिस्तान को आज़रबाईजान के रंग में रंगा गया था और ये पहली दफा के मीनार पाकिस्तान को किसी भी मुल्क के झंडे के रंग में रंगा गया हो और ये एक इस्लामी मुल्क है जो कि सोवियत यूनियन से अलग हुआ था। तो उर्दू ग्लोब की आज की वीडियो में हमने मीनार पाकिस्तान के बारे में 10 दिलचस्प बातें जानी। उर्दू ग्लोब की अगली वीडियो में हम पाकिस्तान के किसी और खास मुकाम के बारे में बात करेंगे। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको ऐसी मालूमाती वीडियोस मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप इन दोनों में से किसी एक वीडियो को सिलेक्ट करिए और देखते रहिए उर्दू ग्लोब।